अभी हमारा जो डेट है अभी 15:30 आवर्स IST मीन्स 3:30 PM में, इसका लोकेशन 100 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ गोपालपुर और 105 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोलिंगपत्तनम। तो 100 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में आप गोपालपुर से जाएंगे और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोलिंगपत्तनम से 105 किलोमीटर, ये जो पॉइंट है इसी का में सेंटर अभी है। तो लास्ट 3 आवर में इसका मूवमेंट नियरली वेस्टवर्ड ही हुआ है, 24 किलोमीटर पर आवर मूवमेंट किया है इसका। तो इसका अभी मूवमेंट नियरली वेस्टर्नली रहेगा, वेस्टवर्ड ही रहेगा, और जैसा पहले से हम लोग बोला कोलिंगपत्तनम और गोपालपुर का बीच में इसका लैंडफॉल आज इवनिंग तक शुरू होने का चांसेस है, लैंडफॉल प्रोसेस, और बाई मिडनाइट कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, लैंडफॉल का टाइम में 75 to 85 किलोमीटर पर आवर, गास्टिंग में 95 किलोमीटर पर आवर, इसका विंड स्पीड एसोसिएटेड जो हमारा जो विंड स्पीड है मैक्सिमम सस्टेंड विंड होने का चांसेस है। तो मेनली हमारा गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ही हाइस्ट विंड स्पीड रहने का चांसेस है, और उसका बाद फिर हमारा कोरापुट पूरी रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसके बाद फिर खुर्दा मलकानगिरी ये सब डिस्ट्रिक्ट में होगा। अभी जितना आप धीरे धीरे दूर जाएंगे उसका विंड स्पीड धीरे धीरे कम रहेगा, और इसका लैंडफॉल का बाद फिर नेक्स्ट 6 आवर्स तक साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा, साइक्लोन उसका बाद फिर आउट 12 आवर्स में वीक होकर डिप्रेशन होगा, एलम हमारा साउथ उड़ीसा से मूव होकर के छत्तीसगढ़ की तरह जाएगा, और वार्निंग जैसे हमने बोला पहले से सेम है। ओके, पिछले 3 घंटा में 24 किलोमीटर पर आवर तक मूवमेंट किया है, इसका थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट किया है पिछले 3 घंटा में। ठीक, आपका प्रेडिक्शन हिसाब से कितना बजे लैंड करेगा? लैंडफॉल एक प्रोसेस होता है ना, उसका टाइम लगता है, तो इवनिंग आवर्स में ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर हमारा इवनिंग आवर्स आपका वैसे हमारा 8 बजे के आसपास होता है, 6 to 8 लेट इवनिंग उस समय होता है, उस समय शुरू होकर के फिर हमारा मिडनाइट तक बाई मिडनाइट का पहले कंप्लीट हो जाएगा लैंडफॉल। नहीं, लैंडफॉल हाँ वो तो खत्म हो जाएगा, बाई मिडनाइट लैंडफॉल हो जाएगा, फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये 6 बजे से शुरू होगा, ये बाई इवनिंग आपका हमारा इवनिंग जो पीरियड होता है ना, जो उसमें 6 to 8 4 to 8 एक्चुअल इवनिंग आवर्स होता है हमारा मेटोलॉजिकली। तो लेट इवनिंग मीन्स आपका 6 to 8 इवनिंग का लास्ट पार्ट में 6 to 8 उस समय होता है, तो इसी का टाइम में कोई भी शुरू हो सकता है। ठीक है, लैंडफॉल प्रोसेस, और फिर आपका बाई मिडनाइट हो जाएगा लैंडफॉल हो जाएगा। हाँ, पोर्ट सिग्नल का जैसा पहले से ही बोला हमने, गोपालपुर पोर्ट में सिग्नल नंबर 7 डेंजर 7 एंड D7, और हमारा पुरी में D6 डेंजर 7 A6, पारादीप एंड हमारा धामरा में लोकल कस्टमरी सिग्नल नंबर 3 जारी है। सर और एक बार बोल दीजिए कि कितना दूर अभी है? अभी हमारा 100 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में गोपालपुर से है दूर में है, और कोलिंगपत्तनम से आपका 105 किलोमीटर दूर में है। नहीं यार, इसका स्पीड जो है ना आपका आवर एवरी आवरली एक ही तरह नहीं रहते हैं, कभी 15 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 24, इसी तरह से वैरी करते हैं। साइक्लोन का मूवमेंट सभी आवर में एक ही तरह नहीं होता है, जैसे पहले हमारा 17 किलोमीटर पर आवर था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका बाद कम भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज क्या होता है साइक्लोन का मूवमेंट, लगभग 15 to 20 किलोमीटर पर आवर तक हो जाता है। अभी सर क्या 24 अभी लास्ट 3 आवर में 24 किलोमीटर पर आवर मूवमेंट किया है। ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट करेगा तो इंटेंसिटी कम होगा नहीं? अभी इसका जो इसका आपका ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है ना, तो इसमें साइक्लोनिक स्टॉर्म से ज़्यादा नहीं होगा, पहले से हम लोग बोला साइक्लोनिक स्टॉर्म से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारा शेयरिंग हाँ शेयरिंग ज़्यादा रहता है। शेयरिंग मीन्स आपका अपर लेवल और लोअर लेवल, ये जो विंड स्पीड रहता है इसका जो डिफरेंस है इसको कहते हैं विंड शेयर। तो ये विंड शेयर ज़्यादा होने से इसलिए मानसून सीजन में साइक्लोन नहीं होता है, विंड शेयर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बट लेट मानसून पीरियड में जैसे सितंबर के एंड का पीरियड में कभी कभी साइक्लोन होता है, और इसका बट इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं हो पाता है ये विंड शेयर का वजह से। सर
लैंडफॉल का देखिए, लैंडफॉल आपका एक साइक्लोन का जो है लार्जर एरिया होता है आपका कोलिंगपत्तनम और हमारा ये का गोपालपुर का बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, उसका रेडियस का हिसाब से पूरा आपका पूरा एरिया का कवर करते हैं, तो इसलिए उसका बीच का इसका इतना इम्पोर्टेंस था ये भी नहीं है, तो इसका बीच में ही होगा, ठीक है, इसका बीच में होगा। बीच बीच में साइक्लोन रिपोर्टिंग के टाइम हम सुनते हैं साइक्लोन का जो आई की बात किया जाता है, नहीं साइक्लोन देखिए साइक्लोन आई तभी फॉर्म आई मीन्स हमारा सेंटर एरिया में साइक्लोन का आई उसी को कहते हैं, सेंटर एरिया वेल डिफाइंड होता है, उसमें सेंटर एरिया में क्लाउड नहीं होता है, ठीक है, फिर क्लाउड फ्री एरिया कुछ होता है तो उसको हम लोग आई कहते हैं सैटेलाइट ए में, और फिर इसका जब इंटेंसिटी ज़्यादा रहते हैं तब आई आपका क्लियरली विजिबल होता है, मीन सेंटर सेंटर क्लियरली जब विजिबल होता है तब उसको आई फॉर्मेशन होता है, तो सभी साइक्लोन का आपका आई साइक्लोन स्टेज में आई नहीं होता है, सीवियर साइक्लोन वेरी सीवियर जैसे आपका वेरी सीवियर साइक्लोन होने से आई होने का पॉसिबिलिटी होता ही है, ये ओनली साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो इसका इसी तरह से आपका वेल डिफाइंड सेंटर आई आपका नहीं है। हाँ लैंडफॉल प्रोसेस हमारे इवनिंग आवर्स में शुरू होगा बोल रहा है, मीन्स इवनिंग आवर्स आपका 4 बजे से 8 बजे तक होता है, तो अपना 8 PM का अंदर तक इसको लैंडफॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर मिडनाइट तक इसका लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लैंडफॉल का टाइम में कितना विंड स्पीड होगा? हाँ लैंडफॉल का टाइम में विंड स्पीड हमारा 75 to 85, गास्टिंग में 95 तक जा सकता है, ठीक है, लैंडफॉल का एरिया में हमारा, इसीलिए गंजाम गजपति का फोरकास्ट आपका भी है 75 to 85 गास्टिंग में 90।